हेलो दोस्तों दोस्तों करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो अभी तक दोस्तों स्टडी रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे औषधि या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उपयुक्त सभी को चुना गया दोस्तों फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है विलियम जी केलिन, सेकंड ऑप्शन है पीटर जे रेडक्लिफ, थर्ड ऑप्शन है ग्रेग एल सेमेंजा। तो तीनों को मिला दोस्तों औषधि के लिए नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वां विश्व कवि सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया है 39वां विश्व कवि सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जापान ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है जापान ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों विश्व कपास दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर से किस देश की सेना ने हिम विजय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की? तो ये भारत ने किया दोस्तों हिम विजय नामक युद्ध अभ्यास की शुरुआत 8 अक्टूबर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एस्ले बॉर्टी को हराकर चाइना ओपन 2019 का खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका ने जीता है दोस्तों चाइना ओपन 2019 का खिताब एस्ले बॉर्टी को हराकर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय प्लेयर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारतीय प्लेयर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही विमोचित नई पुस्तक 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्माज द साउथ अफ्रीकन लीगेसी किसने लिखी है? तो ये पुस्तक दोस्तों फकीर हसन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंजाब राज्य का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार शर्मा को नियुक्त किया है पंजाब राज्य का लोकपाल दोस्तों। अगर दोस्तों आज का करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।